हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर मामले पर सीएम केसीआर ने अपनी चुप्पी को तोड़ दिया है। सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तो सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पर जांच की जाए। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट से ये केस चलेगा, ये खुद कहा है सीएम चंद्रशेखर राव ने। तो आखिरकार कई घंटे बीत जाने के बाद यहां पर मुख्यमंत्री केसीआर की नींद खुली है और इस नींद से जागकर हालांकि उन्होंने अब यहां पर बयान ये दिया है, जिस तरह से सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, उन मांगों को शायद ध्यान में रखकर ही यहां पर ये फैसला कि जहां पर कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही ये पूरा केस चलेगा और कोशिश पूरी यहां पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो उन आरोपियों पर की जाए। और हालांकि इसको लेकर अधिकारियों को भी जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, जल्द से जल्द इस पूरे मामले को निपटा लिया जाए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा केस चलेगा, ये कहना है चंद्रशेखर राव का। हैदराबाद मामले में जिस तरह से सीएम ने चुप्पी तोड़ी है, उस पर अब कहीं ना कहीं प्रदेश की जो जनता है, देश की जनता कहीं ना कहीं भरोसा जता रही है और इसे उम्मीद ने कि सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर आरोपियों पर हो पाए।